डे 10 ऑफ आई ट्राई रुजुता दिवेकर इंस्पायर्ड वेट लॉस डाइट, लेकिन हाँ इट इज़ लाइक कम्प्लीटली इन माई ओन वे बिकॉज इंडियन फूड इतना नहीं है, लेकिन हाँ हेल्दी है, बहुत टेस्टी वाले चीट मील्स आपको मिलेंगे बट विद बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ. मैंने बनाया है आटे बेस की मदद से घर की बनी सॉस वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पिज्ज़ा. मेरा पिज्ज़ा एक्चुअली टेस्टी होता है, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जब मैं बनाती हूँ. कल भी मैंने किसी एक पार्टी में बनाया था तो सबको बहुत पसंद आया था. तो ब्रेकफास्ट में खाया मैंने आधा पिज्ज़ा, पूरा नहीं खाया. देन फिर लंच में मैंने खाया एक रोटी, पेठे की सब्ज़ी, ज़रा से मैंने दाल चावल भी खा लिया है. तो मतलब मेरा इवनिंग तक का काम हो गया बिकॉज़ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है आज खाने के लिए. फिर शाम को टाइम तो नहीं है बट भूख बहुत लगी है तो मैं मिक्स फ्रूट डिलाइट जूस ट्रॉपिकाना का पी रही हूँ. टाइम होता तो घर पे फ्रेश फ्रूट खाना इज़ डेफिनेटली बेनिफिशियल, बट ट्रेन है रात की तो जाना है. तो मैंने फटाफट से बनाया एक बर्गर और एक कम्प्लीटली आटे वाला बर्गर है. वेज पैटी को सॉटे करके बनाया बहुत सारी वेजीज और ज़रा सा चीज़ डाल के. मैंने खाया वेज पैटी वाला बर्गर, मेरे हस्बैंड ने खाया चिकन पैटी वाला बर्गर बिकॉज ऐसे ही प्रेफरेंसेस हैं. एंड एक ही खाया है मैंने, दो नहीं खाए हैं. तो ये है परफेक्ट हेल्दी वाला चीट मील डे जहाँ पे आटे वाले बेस प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं.